चले यहाँ से, मार मार के चट्टी बना दूंगा। वेंकी कहाँ है? अबे ये क्या? अबे आइए आइए वेंकटेश साहब, वो कुर्सी लाके यहाँ पे रखो, रखो बोला ना, रखो। तू बॉक्सर है क्या कमीने? बॉक्सर है, चल कुर्सी वापस रख। सर, होम मिनिस्टर से आपकी शिकायत कर दूंगा। बुला बुला उस साले होम मिनिस्टर को, आने दे, उसे मार मार के उसको लिटा दूंगा और अंजलि को पप्पी दूंगा उसके सामने। तू आदिवासी है क्या? कौन सा जंगल से आया तू? लड़की के सर पे चोट लगी है, मुझे उल्लू बना रहा है। बुला उस लड़की को, बुला। रुकी रुकी, क्या बोली? तो हट रहा है, इधर आ। तेरी सटक गई है क्या? जब से तुम मेरे घर पे आई है तब से मेरी सटक गई है, मेरी सटक गई है। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। इज्जत से सच बोलो, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? सर, ये सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुंह खोलो तो सबके मुंह में चप्पल घुसेर दूंगा, वही कोपचे में पड़े रहना। दोनों प्यार करते हो ना? नजदीक आ जाओ। भैया वेंकी, इसे अपने बाहों में ले लो। बाहों में लो बोला। अब चुम्मी दो मुझे, नहीं बस सबके ले, उसे दे, इसको दो, देता है कि चल चुम्मी दे। ओके, नाउ आई एम सेटिस्फाइड, तुम दोनों प्यार करते हो, मुझे यकीन हो गया। मैं चला। सॉरी लक्ष्मी क्षीर समुद्र राज तनया श्री गंग धामेश्वरी दासी भूत समस्त देव वनिता मोक्ष देत सर्वदा श्री गणपत देखा आपने, वेंकी का बर्थडे है इसलिए हमसे पहले आकर पूजा कर रही है। आ, बहुत फास्ट है। त्रैलोक्य कुटुंबिनी सरसी गंगा वंदे मुकुंद प्रियम। हाय आप, तुम बहुत खूबसूरत हो और आवाज भी सुरीली है। तुम्हारा नाम क्या है? पूजा। साड़ी बहुत सुंदर है, कहाँ से ली? शॉपिंग मॉल से। दादर से या बैंड्रा से? सांता क्रूज़ से। मेरे बेटे के लिए तुम परफेक्ट हो। एक बार वेंकी के साथ घर जरूर आना बेटा। पूजा, क्या कहा? लगता है तुम्हारे भैया आ गए, कोई शुभ दिन देखकर तुम्हारे घर मिलने आएंगे। अच्छा बाय बाय। चलो बाय। नमस्ते। कौन थे ये लोग? मुझे नहीं पता भैया। मिल तो ऐसे रहे थे जैसे बहुत अच्छी जान पहचान है। वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। चलो चलते हैं। अरे पूजा तो खत्म करने दीजिए। एक ही आइसक्रीम बची है दीदी, ले लो ना, मैं छुट्टा लेकर आता हूँ। हेलो पूजा, कहाँ है तू? मैं तो पार्क के पास हूँ, तू कहाँ पर है? मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। क्या हमेशा लेट करती है, जल्दी आ। मेरी होने वाली डॉक्टर बहू कैसी है नरसिम्हा? बिल्कुल ठीक है, एग्जाम नजदीक आ रहा है ना, इसलिए मन लगा के पढ़ रही है। पूजा के डॉक्टर बनने के बाद लंदन में एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, आजकल के ये बच्चे प्यार व्यार के चक्कर में पड़ते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई साहब, मेरी बहन इनसे अलग है। अपनी लड़की समझदार भी होगी ना, तो भी लड़के उसे बहका कर उड़ा ले जाते हैं। क्या हुआ नरसिम्हा, मेरी बातों का बुरा मान गया? मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया ना? नहीं नहीं। आज की जो फिल्म थी ना, बहुत कमाल की थी। सॉरी हाँ, मैं तुझे साथ लेकर नहीं गई, बुरा मत मानना। खाना लग गया है, जल्दी आओ।
वापस आकर पूरी कहानी सुनाती हूँ। ये क्या भैया, आज मुझसे पहले खाने बैठ गए? बहुत भूख लगी है क्या? स्टॉप, शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं, वो भी भूल गए आप? चलो कर लेते हैं। क्या हुआ, ऐसे घूर क्यों रहे हैं? तीखा लग रहा है। क्या कहा? चटनी तीखी है। आपको तो तीखा अच्छा लगता है ना? नेकलेस रोड गई थी ना। अरे आपको कैसे पता? तुम्हारे साथ कौन था? फ्रेंड। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? देखो पूजा, तुम मुझसे जितना प्यार करती हो उससे कहीं ज्यादा मुझे तुम पर भरोसा है। उस भरोसे को तोड़ना मत। अरे अरे अरे, अरे खाना तो खाइए। भूख नहीं है। रहने दो पूजा, कोई फायदा नहीं। तुम्हारे भैया का गुस्सा आजकल कुछ ज्यादा बढ़ गया है। तुम खाना खाओ। हे भगवान, धूप कितनी है। अरे, 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 क्या हुआ माजी? इस उम्र में भी कड़ी धूप में नारियल बेचकर घर चलाती है। मना करने पर मानती नहीं है। अब आप ही बताइए क्या करें। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, तब तक नारियल मैं बेचता हूँ। तुम क्यों तकलीफ उठा रहे हो बेटा? तकलीफ कैसी, नारियल बेचना तो मेरे बाएं हाथ का खेल। आ जाओ नारियल ले लो, मीठे मीठे पानी वाले नारियल, एकदम तरोताजा हो जाओगे। भगवान पे चढ़ाओगे, भगवान खुश हो जाएगा, एक मांगोगे लाख देगा। नारियल ले लो नारियल, आ जाओ सस्ते नारियल। तू यहाँ क्या कर रहा है? नारियल बेच रहा हूँ। जीन्स पहन के यहाँ पे नारियल बेच रहा है, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? जीन्स पहनकर मैं नारियल बेचूं या लुंगी पहनकर सोना बेचूं? नारियल खरीदना है तो बोल, नहीं तो जा। ए, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, उड़ा दूंगा तुझे। नारियल बेचने पर गोली मारेगा क्या? चल मार मार मार। नरसिम्हा अंकल, नरसिम्हा अंकल। क्या? अरे अजय बाबू, यहाँ कैसे? पूजा यही है ना, उसे मिलने आया हूँ। तुम्हें कैसे पता? हाँ, उससे प्यार करता हूँ ना, अपने आप पता चल जाता है। वैसे ये लड़का कौन है? ये ना, ये मुझसे नौकरी की भीख मांग रहा था, तुम जरा इससे। अरे ऐसे लड़के तो रोज नौकरी मांगते होंगे ना। चलिए चलते हैं। चलो चलो चलिए। ना 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 ना, I don't believe this। मैं खुद चेक करूंगा, मैं खुद चेक करूंगा। मिस सर, मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। कौन हो तुम? नरसिम्हा की बहन हूँ। मतलब होम मिनिस्टर की? होम मिनिस्टर की होने वाली बहू। कन्फर्म। इसका दिमाग सटक गया, ये पागल हो गई है। आई एम सॉरी बेटा, कोई बात नहीं सर। फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक बार फोन करके कन्फर्म कर लेता हूँ। हेलो। नमस्ते सर, मैं होम मिनिस्टर का पीए राजेश बोल रहा हूँ सर। बोलिए। आपकी बहन घर पर ही है ना सर? तू क्यों पूछ रहा है? अजय बाबू ने पूछने के लिए कहा था। पूजा कर रही है। पूजा कंफर्म? हाँ हाँ कंफर्म, मेरी आंखों के सामने पूजा कर रही है, बिल्कुल। ओके ओके कंफर्म सर, कंफर्म हो गया। आई एम सॉरी वेंकी, मैंने तुम्हारे प्यार पर शक किया। मैं प्यार करके पागल हुआ, तुमने पागल से प्यार किया। नसीब का खेल है, अपना ख्याल रखना। जी अच्छा। शुरू शुरू में तो मुझे वो ठीक ठाक लड़का लगता था, पर अब तो मुझे वो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगा। तुम्हें पता है पपी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक हफ्ता अभी अभी गुजरा है ना, इसमें मुझे वेंकी से प्यार हो गया। ये सच है, अब इसमें कोई शक नहीं। यस, आई थिंक आई एम इन लव विद हिम। यस, वही है मेरे सपनों का राजकुमार। सर क्या हुआ, ये लड़की कौन है सर? मेरी डार्लिंग, मेरी बहन। सॉलिड लोचा हो गया सर, इस वक्त ये लड़की कहाँ है? मंदिर गई है। कितने दिन पहले सर? कितने दिन का क्या मतलब? मतलब है वो कब गई? अभी गई है वो। अजय बाबू चलो चलो मंदिर। बाबू वो मंदिर से सीधा कॉलेज जाने वाली है। आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत है, पूजा के आते ही आपके पास भेज दूंगा। अंकल अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, पूजा आए तो उसे घर भेज देना। ठीक है ना? भेज दूंगा। चलो चलते हैं। चलिए। सचमुच मंदिर गई है ना? हाँ सचमुच मंदिर गई है। ये मुझे कभी पूजा से मिलने ही नहीं देगा। सबका अपना अपना प्रॉब्लम होता है ना। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर चलो। कहाँ? डार्लिंग के कॉलेज जाएंगे। मेरे घर के अलावा और कहीं भी ले चलो।
डार्लिंग, पूजा, पूजा डार्लिंग। अच्छा हुआ ये मेरी औलाद नहीं है, अगर ये मेरी औलाद होती ना तो बचपन में दूध में फिनाइल मिलाकर पिला दिया होता। कहा ना नहीं हो सकता। हाय पूजा। हाय मेरी बहन। हाय ये कौन है? ये तो मैं मेम साहब का ड्राइवर है। ये बहुत बड़ा तिकड़मबाज है, तुम इसे जानते हो? हाँ। कैसे? इसने मेरी भी गाड़ी चलाई है। ओ, इसे बहुत एक्सपीरियंस है। गुड गुड। एक्सपीरियंस की छोड़ो, एक्सपर्ट भी है। एग्जामिनेशन सेंटर बदलना है लेकिन सर मना कर रहे हैं। कॉलेज के रूल्स के खिलाफ है इसलिए। ओ, रूल्स के खिलाफ? तो जब प्रिंसिपल से वॉचमैन बना है तो वो भी रूल्स के खिलाफ होगा? नहीं नहीं नहीं, बदल दूंगा अजय बाबू। पूजा देखा मेरा पावर। थैंक्स। पर इसमें थैंक्स वाली क्या बात है, तुमसे मिलने का दिल किया तो चला आया। चलो घर छोड़ देते। नहीं नहीं, अगर भैया ने देख लिया तो समझेंगे कि मैंने आपको ड्राइवर बना दिया। सही कहा, अंकल की नजरों में मेरी बहुत इज्जत है। ये ड्राइवर मेम साहब को सही सलामत पहुंचा देना। सर बताइए ना मेरा ड्राइविंग कैसा है। हाँ बहुत अच्छा चलाता है, सेफ चलाता है। अब बाय डार्लिंग, बाय। ड्राइव सेफली, ड्राइव सेफली, ओके सेफली।